अनमोल जी का रुख कर लेती हूँ। अनमोल जी, जैसा कि अनुजा जी कह रही हैं, इंट्रिम बेल है ये, अंतरिम जमानत है, जमानत नहीं मिली है अभी, उनको जाना है फिर से 2 जून को जेल में बाहर, तो फिर ये जुलूस, विजय जुलूस आम आदमी पार्टी की तरफ से क्यों? देखिए विघ्नेश जी, सच्चाई ये है कि पिछले 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की अगर आप घटनाक्रम को देखें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा था कि ये केस 2 मिनट भी ट्रायल में नहीं टिक सकता। 2 सवाल क्रॉस एग्जामिनेशन पे जब पूछे जाएंगे तो ये केस नहीं टिक सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को बेल देते समय ये कहा था कि प्रथम दृष्टया भी किसी भी तरह का कोई आरोप साबित नहीं होता, और अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट मेरिट्स पे बहस करेगी तो उन्हें सेक्शन 46 पीएमएलए में ऑब्जर्वेशंस देने पड़ेंगे जो उनके केस के खिलाफ जाएंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के। 2 साल की तहकीकात के बाद अरविंद केजरीवाल जी से, मनीष सिसोदिया जी से 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। कोई भी प्रोसीड्स ऑफ मनी का जो ट्रेस है वो आम आदमी पार्टी के किसी नेता या हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी। आम आदमी पार्टी की ओर नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर जो है साबित हुआ है, जिसमें 60 करोड़ रुपए तथाकथित शराब घोटाले के जो किंग पिन थे पी शरद रेड्डी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रिश्वत के तौर पे दिए हैं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसकी तहकीकात नहीं करेगा। किसी भी तरह का कोई साक्ष्य और कोई गवाह मौजूद नहीं है, केवल और केवल इनका केस अप्रूवर्स के बेसिस पे है, और अप्रूवर्स की जरूरत तब पड़ती है जब साक्ष्य का अभाव हो। और अप्रूवर्स कौन है? एक अप्रूवर है जो पहले 9 स्टेटमेंट जो है वो अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में देता है, पी शरद रेड्डी। जब उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा, तब वो इनके खिलाफ स्टेटमेंट देता है। दूसरा अप्रूवर कौन है? भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस पार्टनर है TDS, उनके लोकसभा के कैंडिडेट जिनके लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मगुंता रेड्डी, जो शुरू के 5 स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में देते हैं, लेकिन जब उनके बेटे को 10 फरवरी 2023 को जेल में बंद किया जाता है और 5-6 महीने उन पर दबाव बनाया जाता है, तब वो बाप और बेटे दोनों मिलकर अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल की सुनवाई के, सॉरी, अरेस्ट, इलीगल अरेस्ट जो हमने चैलेंज किया हुआ है, उसकी सुनवाई के दौरान यह सवाल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से पूछा कि अगस्त 2022 से इन्वेस्टिगेशन आपने क्यों नहीं की, और जो अरेस्ट के टाइमिंग है उस पर सवाल खड़ा किया। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जनता जिस चीज को आज समझ रही है कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल जी को ऐसे समय पर अरेस्ट किया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से वाकिफ है कि जिस तरह का दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस अरविंद केजरीवाल जी ने पेश किया है, आज पूरे देश से आवाज आ रही है कि हमें भी इसी तरह का गवर्नेंस मॉडल चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमलों वाली सरकार नहीं चाहिए। अब मेरे सवाल का जवाब अनमोल जी, कि दोष मुक्त नहीं हुए अरविंद केजरीवाल, अभी भी उनको जाना है वापस जेल में, जब आपको पता है आपके नेता को वापस जाना है जेल में, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये विजय जुलूस, इतना भव्य स्वागत। विघ्नेश जी, ये जनता का प्यार और आशीर्वाद है, जनता उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था, हनुमान जी की कृपा से आज उस षड्यंत्र से अरविंद केजरीवाल जी सलाखों से बाहर आए हैं। और मैं एक बात और बता दूं, ये मैटर अभी सब जुडिस है, इस पे कोर्ट ने कोई भी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किसी भी तरह का कोई वक्तव्य या कोई ऑब्जर्वेशन अभी नहीं दिया। इसकी सुनवाई अगले हफ्ते होनी है और हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के वकील कोई भी जवाब कोर्ट में नहीं दे पाए कि आखिर सेक्शन 19 के तहत जो प्राइमा फेसाई उन्हें कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए थी वो उन्होंने सेटिस्फाई नहीं की।
सेक्शन 19 में अरेस्ट का थ्रेशहोल्ड ज्यादा होता है, आप ऐसे ही किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, आपको ये साबित करना पड़ेगा एजेंसी के तौर पे कि आखिर ऐसे क्या साक्ष्य थे आपके पास, क्यों आपने इन लोगों के वो बयान छुपाए जो अरविंद केजरीवाल जी के पक्ष में थे, और केवल उन्हीं बयानों के आधार पे जो दबाव देकर जो उन्हें प्रेशराइज करके लिए गए थे उन्हीं के आधार पे क्यों आपने इन्हें अरेस्ट किया, क्यों आपने 20,000 पन्नों के अनआइडेंटिफाइड डॉक्यूमेंट्स वो रिकॉर्ड पे आप लोग नहीं लाए, ये सवाल का जवाब देने में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट असक्षम रही। मैं प्रियंका गुप्ता जी का रुख करूं, छोटा सा रिएक्शन आपका चाहती हूं मैं अनुजा जी, कि सीधा अनमोल जी का ये आरोप है कि गुजरात में आपने देखा भले ही नहीं जीते लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनके फेवर में गया, आप इससे डर गए। दिल्ली में लगातार जीत आम आदमी पार्टी की, आप इससे डर गए। पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की, आप इससे डर गए। अरविंद केजरीवाल और जीत ना दर्ज करें, आगे ना बढ़ पाए, रोकने के लिए आपने ये सब किया, छोटा सा रिएक्शन इस पर। और हाँ, दिल्ली मॉडल जिस गुड गवर्नेंस की बात कर रही आम आदमी पार्टी, उससे भी बीजेपी डरी। जिस गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस, वो कांग्रेस डर सकती होगी, हम नहीं डरते उससे, क्योंकि आपने देख लिया पंजाब में कांग्रेस को इन्होंने एक नोटा दिया है, 13 की 13 सीट्स पे ये लोग चल रहे हैं, इनको डर है कांग्रेस से, भाजपा से नहीं है। और आम आदमी पार्टी कांग्रेस को के साथ फिर यही पर ही डल रही है, खुद 4 की सीट पे और 3 की सीट पे। तो ये आपस में खिंचाव तनाव इनका आपस में है, भाजपा से इनका कोई मतलब नहीं है। भाजपा तो अपनी जहां पर सीट्स पहले थी वहां पर खड़ी है, वोटिंग शेयर पे हमारे दिल्ली में भी कभी कम नहीं हुए, और गुजरात पे तो हमारी प्रचंड बहुमत थी। एक दुक्की सुक्की सीट ले आएंगे, लोकसभा में कहां खड़े हैं ये, कहीं पर नहीं, वो भी हमारे पास आ गए। तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ अभी हमारे हाथों में आया, आपने देख ही लिया कि किस तरीके से चंडीगढ़ का भी सामने हमारे आया। तो जहां पर इतनी बोल बाला बोलने से होगा नहीं, रिजल्ट मैटर करता है और रिजल्ट सामने आ रहा है बार बार। और जो मेरे भाई अधिकारी की जरूरत पड़ी, नहीं नहीं नहीं, लॉयर लॉयर चुनाव जीतने के लिए भी पीठासीन अधिकारी की जरूरत पड़ी भाई साहब, आपको चुनाव चोरी करने की जरूरत पड़ी। यू जस्ट आप एक लॉयर चोरी की जरूरत पड़ी, मुझे नहीं लगता कि इतने चीजें चलाने से कोई बात चलेगी। आप मेरे बताइए ना देश को, आप बताइए क्यों आपको मेयर का चुनाव चोरी करने की जरूरत पड़ी, क्या आप सक्षम नहीं थे चुनाव जीतने में? भ्रष्टाचारियों की फौज खड़ी कर रखी है आपके नेता ने, क्यों आप जवाब नहीं देते? चलिए ठीक है, सुबह की इस बहस में, क्योंकि सुबह का शो है ये, 10 बजे का ब्रेक पार्टी में लिया, एक मिनट ये सुबह की बहस बची, एक बात करेंगे अनुजा जी और अनमोल जी। मैं आती हूँ प्रियंका गुप्ता जी से, मैं बात कर लेती हूँ।